अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये खाना चाहिए क्या हो गया? अरे अरे कोई पानी लेके आओ, अरे मंदिर में आग लगी, केतारी जल्दी पानी लेके आओ। आरती केतारी को बुलाओ, जल्दी आग बुझाओ। अरे क्या हो गया? अरे हाय रे विधाता, ये क्या हो गया? अरे कोई कुछ करो, बुझाओ आग को। माँ ध्यान रखिए, हम आते आरती ने। अरे दादा इनको देखो, एक ही घर की दो औरतें, एक दिमाग से पैदल और दूसरी महाधूर्त, तभी तो दोनों का पैर इस घर में पड़ा है और हमारा मंदिर तक जलने के कगार पे आ गया है। आए रे विधाता, कुछ करो रे विधाता। हे भगवान, नामकरण पुस्तिका का इस तरह जल जाना संकेत दे रहा है कि अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य पे कोई बड़ा संकट आने वाला है। एक कान्हा जी रक्षा कीजिए। मैंने नहीं, अपने पापा को फोन लगाऊं, हम अभी महन जी के आश्रम जाएंगे। यदि परिवार पे कोई संकट है उनसे कोई उपाय करवाएंगे। नंदिनी, अरे उन्हीं की तो नातिन को बहू बनाई हो तुम इस घर की, उसी का तो साया पड़ा है जो इतना सब आफत पड़ा है घर पे। हे कान्हा जी, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। ये किल इतना खतरनाक तो है ही कि बिग बी के कार का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और बिग बी कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे। बिग बी आप वहां पे आराम कीजिए और मैं यहां पे। सी यू इन द हॉस्पिटल बिग बी। अंशुमन जी आपका वॉलेट। सुमन संभालो। करती हो सुमन, इतनी भी क्या जल्दी थी वॉलेट देने की? ये देखो कितनी चोट लगवा लिया तुमने। अंशुमन जी हम ठीक हैं। दिख रहा है मुझे, चलो मेरे साथ, फर्स्ट एड देता हूं। चलो। अंशुमन जी वो देखिए, ये पूजा घर में नामकरण पुस्तिका चल। सुमन मेरे साथ चल, पहले दवाई लगा देता हूं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज जब मंदिर में पूजा कर रहे थे कि अचानक हमारे परिवार की जो नामकरण पुस्तिका है उसमें आग लग गई।
हमारा बहुत जी घबरा रहा है। आप देख के बताइए कि हमारे परिवार में कोई संकट तो नहीं है। तुम्हारा डर बिल्कुल सही है बहुरिया। नक्षत्रों का मेल ये बता रहा है कि घर की किसी न किसी सदस्य पर बहुत बुरा संकट आने वाला है। हम तुम्हें माता का मंत्र और रक्षा कवच देते हैं। तुम घर के हर सदस्य को ये रक्षा कवच बांध देना। देखो समय बिल्कुल बर्बाद मत करना, बहुत कम समय बचा है, क्योंकि नक्षत्रों का गणित ये बता रहा है कि बुरा काल कभी भी शुरू हो सकता है। चलो ये तो हो गया, अब तुम अपना ध्यान रखो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आज हमारा दिल ना बहुत घबरा रहा है। ये चूड़ी का टूटना मंदिर में, अंशुमन जी ये सब कोई बड़े अपशगुन की तरफ इशारा कर रहा है। आप आज प्लीज ऑफिस मत जाइए। सुमन, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने वाली हो और ऐसी बातों पे विश्वास करती हो, ऐसे अंधविश्वासी मत बनो। अंशुमन जी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज हमारे लिए आज ऑफिस मत जाइए। सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज ऑफिस जाना जरूरी है। मैं कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा हूँ जिसके बाद नंदन हमें या हमारे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर वो ऐसा करेगा भी तो खुद जेल जाएगा। नहीं अंशुमन जी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारा दिल जानता है नंदन की वापसी इस घर में जरूर होगी, वो फिर से इस घर को अपनाएगा, उसे दिल से अपनी गलतियों का एहसास होगा। आप प्लीज ऐसे मत करिए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सुमन, आखिर नंदन मेरा छोटा भाई है, उसका मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है, लेकिन जो रास्ता उसने चुन लिया है उसके बाद ये करना जरूरी है, ताकि अगर वो गलती करे तो उसे सबक मिले। पिक पिक ऑफिस जाने का समय हो गया, लेकिन अभी तक घर से निकले क्यों नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक बार पिक पिक की छुट्टी हो जाए, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, उसके बाद देखता हूं कि मिसेस भागलपुर को कौन बचाता है मुझसे। कब तक ये छोटे मोटे बदले लेते रहोगे, कुछ बड़ा नहीं है करने के लिए जिससे हम सुमन को अच्छे से सबक सिखा सके। नहीं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आराम से जाइएगा। Thank you.
ये हुआ ना परफेक्ट काम। अब पिप्पी कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में और मैं अपना खेल शुरू करूंगा। अच्छा सॉरी पिप्पी। सुमन के लिए कोई कुछ कहता है तो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ना। वैसे ही मुझे कोई धमकी देता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहा था तुमने? हाँ कि तुम मुझे बालकनी से धक्का देकर गिराकर मार दोगे। तुम और तुम्हारा भाई दोनों अस्पताल में पड़े रहो। शिक्षा कर रही हूं। और मैं जब तक तुम लोग वापस लौटोगे तब तक इस पूरे राय बहादुर खानदान को खत्म कर चुकी होंगी। अंशुमन जी, सुमन, अंशुमन जी, आप ठीक है? सुमन कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट है बस। बाय नंदन, स्वीट ड्रीम्स। सब बातों का वक्त नहीं है, इसकी हालत खराब है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेके चलो नंदन से। सुप्रीति संभालिए अपने आप को, हम नंदन को कुछ नहीं होने देंगे। अंशुमन जी, आप सुरभि माँ के पास जाइए, सुरभि माँ को आपकी जरूरत है। परेशान मत होइए मां, कुछ नहीं होगा हमारे नंदन को, ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हें भी तो चोट लगी है, देखो माथे से खून बह रहा है और तुमने अपना कोई ख्याल नहीं। जा पहले पट्टी करा के आओ। जी।
डॉक्टर साहब। नंदन कैसा है डॉक्टर? वो खतरे से बाहर है ना? माफ कीजिए, शार्प कट की वजह से उसका खून बहुत निकल गया था। नंदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं जा सकता, हम फिर से नंदन को नहीं खो सकते। नंदन नहीं, 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 नंदन नंदन कैसे हमें छोड़ के जा सकता है? नहीं, नंदन हमें छोड़ के नहीं जा सकता। नंदन 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 उठ बेटा, उठ। नंदन को हमें छोड़ के नहीं जा सकता। नंदन उठ, नंदन उठ, उठ नंदन उठ, उठ नंदन उठ। नंदन 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 उठ। नंदन तू ना, तू ना हमको मम्मी कहना, मामा कहना। नंदन नंदन उठ बेटा, तेरी माँ के बिना नहीं जी पाएगी। नंदन उठ बेटा, उठ। नहीं भोलेनाथ जी, यह नट नहीं हो सकता। आप सुर भी माँ से उनके नंदन को ऐसे फिर से नहीं छीन सकते। चाची बोलिए उठेगा, अरे नंदनी बोलो मिस्टर गोटने को। नर्स आप क्यों खड़ी हो? जल्दी से अपने शॉक पैड लाके दो। सुर भी माँ दो मिनट आती है। मैडम मैडम ऐसे कैसे आप? हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हे भोलेनाथ जी हमारी मदद करना। नर्स करंट वोल्टेज बढ़ा दो। मन का मुराद पूरा हो गया ना? तुम हमेशा चाहती थी कि नंदन खत्म हो जाए। खत्म हो गया ना हमारा जुट के बहुआ, अब काहे मरने के बाद भी तकलीफ दे रही हो? बस करो। शांत हो जाइए बड़ी माँ। सुमन जो कर रही है उसे करने दीजिए, उसे अच्छी तरह पता है वो क्या कर रही है। अब तो आप खुश हो गए ना भैया? जो आप चाहते थे वो तो हो गया। बकवास बंद करो नंदनी, इतनी छोटी सोच है तुम्हारी, कुछ भी बोले जा रही हो। नंदन भाई है मेरा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि नंदन हमें छोड़ के चला जाए। हे भोलेनाथ जी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मत कीजिए ऐसा। हमारी मदद कीजिए नंदन को, नंदन को आप सबसे मत छीनिए। प्लीज प्लीज भोलेनाथ जी। नर्स करंट वोल्टेज मैक्सिमम पर ले जाओ। Tana tana de, tana 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 de.
प्लीज भोलेनाथ जी, प्लीज बंद कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। खाना जी, तू तो जीवन दाता है, हमारे पोते को नया जन्म दे दे। बेटा, अपनी माँ के बाद मान ले, उठ बेटा। मैं माफ कर दीजिए अंशुमन जी, मैं तेरे को नहीं बचा पाए। तो बोले चाची ने भी हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। माफ कर